बांदा जनपद के बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा रहा था, जहां कई प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे थे। तो अपने क्षेत्र के विकास कराने के वादे तो कह रहे हैं, पर उन्हें अपने क्षेत्र के अधिकारियों के नाम तक नहीं पता। आखिर कैसे करेंगे ये लोग विकास अगर जीत गए तो? पूरा मामला बांदा के बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर प्रधान पद एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा रहा था, जिसमें भारी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं हमारे बांदा से न्यूज वी के संवाददाता जीतू शिवास ने अब उनसे बात की। जब उनसे बात की तो वह अपने क्षेत्र में विकास कराने के दावे तो कर रहे थे, पर उन्हें अपने क्षेत्र के अधिकारियों के नाम तक नहीं पता थे। जी हाँ, जिनमें उन्हें ना तो अपने जिले के जिलाधिकारी का नाम पता था और ना ही SDM व खंड विकास अधिकारी का नाम। ऐसे एक दो प्रत्याशी ही नहीं, कई प्रत्याशी देखने को मिले। जब जब ऐसे लोग ही चुनाव मैदान में उतरेंगे तो अपने सामान्य ज्ञान का ही विकास नहीं कर पाए, वह क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? आप खुद ही सुनिए ऐसे कई प्रत्याशियों की जुबानी, जो सवाल पूछे जाने पर इधर उधर मुंह घुमाते हुए नजर आए। नाम मेरा ग्राम प्रधान आलमपुर, पूर्व प्रधान आलमपुर। इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है? हाँ, पिछली बार की इस बार भी भलीभांत में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इस उद्देश्य के साथ लड़ने जा रहा हूँ कि जनता की 5 साल सेवा करूँगा, उनके उपचार करूँगा, जो गांव के भलाई के कार्य हैं, शीशी सरंजा नाली आदि, ये करूँगा और गांव का विकास करूँगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मेरी जूनियर हाई स्कूल है। आज कहाँ खड़े हुए हैं? मैं बबेरू ब्लॉक में खड़ा हूँ। खंड विकास अधिकारी का नाम? खंड विकास अधिकारी का नाम भूल गए। आपके निर्वाचन अधिकारी का नाम? निर्वाचन अधिकारी का नाम तो नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। आपके जिला अधिकारी का क्या नाम है? जिला अधिकारी का वीर बहादुर, क्या नाम है इनका? नाम है आपका? मेरा नाम है शिव बहादुर जनसेवक जी। आप यहाँ ब्लॉक में आए हैं, क्या है? मैं पिछली बार प्रधान रहा, इस बार भी प्रधान प्रत्याशी हूँ प्रधान पद का। चुनाव लड़ रहे हैं जी? किसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, किस बात को लेकर? जनता के बीच में हमने काम किया है, उसी उद्देश्य से फिर दोबारा मैदान में है। क्या 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 चीज़ें रह गई हैं जो आपने 5-6 वर्ष में नहीं किया और करना चाहते हैं? हम हर तरह के काम किए हैं, लेकिन मान लीजिए जनता की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। हर घर को कॉलोनी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, मौका मिला तो घर घर पहुँचाएंगे कॉलोनी। 80-90 दे चुके, 80-90 वृद्धा पेंशन बना चुके, लगभग 550 हमने शौचालय दिया। अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मैं इंटर पास हूँ। अच्छा, जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है? आनंद सिंह। और खंड विकास अधिकारी का नाम क्या है? नहीं, बिसर गए। बीडियो साहब, राम प्रकाश सिंह। किस गांव से आए हैं? इंगवारी मजरा मरका से। अच्छा, कहे का चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र पंचायत का। क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हाँ। कितना पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। अच्छा, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप? अपने वार्ड का विकास के लिए, समाज सेवा करने के लिए। किस तरह का विकास करवाना चाहते हैं आप? जैसे कोई पिछड़ा विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ, उसको अधूरा काम पूरा करवाएंगे अगर जीत गए। आप कहाँ खड़े हैं आप? मैं तो यहाँ ब्लॉक में खड़ा हूँ। अच्छा, विकास खंड अधिकारी का नाम क्या है? हमें नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, यहाँ के SDM साहब का क्या नाम है? हम नहीं बता पाएंगे। भी नहीं पता। अच्छा, मरका में रहते हैं? जी हाँ। मरका थाना अध्यक्ष का क्या नाम है? नहीं पता। बांदा से जीतू शिवास की रिपोर्ट।